मुंगावली में सम्मेद शिखर तीर्थ के सम्मान में रैली निकाली गई, जिसमें पूरा शहर उमर पड़ा, जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ साथ वृद्ध और बच्चे भी शामिल हुए। पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटन की सूची से हटाने की मांग के लिए शनिवार को दिगंबर जैन दर्शनीय तीर्थ क्षेत्र के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली गई, जिसमें दिगंबर जैन पंचायत सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर शामिल हुए। रैली पुराने बाजार दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से नया बाजार पोस्ट ऑफिस चौराहा, पुलिस थाना विद्यार्थी चौराहा होते हुए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय SDM ऑफिस पहुंची। इस दौरान जैन समाज ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें सभी ने मांग की कि तीर्थ के सम्मान को बनाए रखने के लिए पारसनाथ पर्वतराज को पर्यटन व वन्य जीव अभ्यारण की सूची से अनिवार्य रूप से हटाया जाए, ताकि तीर्थ की मर्यादा बनी रहे। एक भाग और तीर्थ माना जाता है, लिखकर तीर्थ राज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2795 ई दिनांक 20 अगस्त 2019 को अविलंब रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वराज और अनुवन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण वाहन संचालन व अव्यक्ष सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण सामान जांच हेतु CRPF व स्कैनर CCTV कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट चिकित्सा सुविधा सहित बनाए जाएं। पर्वतराज से पेड़ों का अवैध कटान, पत्थरों का अवैध खनन व महुआ के लिए आग लगाना प्रतिबंधित हो। निवेदन है कि दिनांक 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय झारखंड के में गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च एवं शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वराज को वन्य जीव अभ्यारण। ग्रामीण भारत टीवी के लिए मुंगावली से मनीष सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।